छात्र संघ चुनाव में राजकीय विधि महाविद्यालय में परिणाम को लेकर उस समय हंगामा हो गया जब हारने के बाद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सलोनी वैद वालों ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। इसको लेकर उन्होंने तहसीलदार की गाड़ी को भी बीच रास्ते में रोका और अपनी बात उनके समक्ष रखी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों, कॉलेज प्रबंधन और तहसीलदार के समझाइश के बाद मामला कहीं जाकर शांत हुआ। रिजल्ट की बात की जाए तो शहर कोटा में विधि महाविद्यालय में गौरव मीणा नव निर्वाचित अध्यक्ष बने। 27 वोटों से उन्होंने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सलोनी को हराया। पुलिस जीप से विजेता गौरव मीणा को घर भिजवाया गया। उपाध्यक्ष पद के लिए निकिता, महासचिव पद पर लिपासा, संयुक्त सचिव श्रीकांत विजय रहे। मैं थर्ड ईयर से हमारे क्या रूम में कोई एक वो एजेंट बैठ नहीं पाया था किसी कारण से, लेकिन उसमें क्या कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके जो बाहर है, कोट आउट ऑफ कोटा है, और उन्होंने अपनी आईडी मांगी कल इनसे, जो सामने वाले लोग हैं गोरमीना, और से उन्होंने आईडी मांगी तो आईडी के लिए उन्होंने बात को टाल दिया। और अब सुबह भी उन बच्चों ने फ़ोन किया आईडी के लिए, तो वो आईडी नहीं दे रहे। तो हम इस हिसाब से हमें लग रहा है कि फर्जी वोटर है। और उसके वो कॉलेज वालों से हमने बोला कि हमें सिर्फ लिस्ट चेक करनी है कि ना मतलब किस किस बच्चों की वोटर है, तो वो कॉलेज वाले ये चीज़ भी हमें चेक नहीं करा रहे। आपका आरोप है फर्जी वोटिंग का? हाँ, हमें हमारे आरोप यही है कि फर्जी वोटर है और इस चीज़ के लिए हमें लिस्ट चेक करनी है। हाँ सर, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा में मतगणना खत्म हो चुकी है। अध्यक्ष पद के लिए गौरव मीणा विजय घोषित किए गए हैं। गौरव मीणा को 90 मत प्राप्त हुए और सलोनी वेदवाल को 63 मत प्राप्त हुए हैं। मतों का जो अंतर रहा है वो 27 का रहा है। उपाध्यक्ष पद के लिए निकिता वर्मा को विजय घोषित किया जाता है, उनको 2 वोटों से अंतर से जीती है। गुंजन पंजवानी द्वितीय स्थान पर रही है। महासचिव के लिए लिपासा वैष्णव को 79 मत प्राप्त हुए हैं। 5 मतों के अंतर से लिपासा को विजय घोषित किया जाता है। और संयुक्त सचिव के लिए श्रीकांत भारद्वाज को 6 वोटों से विजय घोषित किया जाता है। मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई और महाविद्यालय में चुनाव थे 22-23 के, वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ख़त्म हुए। आप लोगों का टाइम लगने का क्या कारण? काउंटिंग में सर थोड़ा सा जैसे हमारे जो मतगणना टीम थी थोड़े नए लोग थे, सभी को धीरे थोड़ा सा गलती नहीं हो, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे एक एक को एक एक वोट गिनाया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा।